रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप सो यू आर ऑल फाइन। आई एम बैक विद अनदर रेसिपी, यूनिक और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ हम बनाने जा रहे हैं पीच का जूस। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे पीच के कुछ बेनिफिट्स आपके साथ शेयर कर दूँ ताकि आपको पता चल जाए कि पीच हमारे हेल्थ के लिए कितना ज़्यादा बेनिफिट है। में विटामिन ए और सी पाया जाता है जो आपके मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाता है और वेट कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है और रिंकल्स दूर करने में हेल्प करता है। एक बार इस्तेमाल से स्किन जो है हमारी बहुत ज़्यादा ग्लो होती है और डार्क सर्कल जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है और बहुत ज़्यादा डिजीज़ की ट्रीटमेंट के लिए भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। और बेनिफिट बताते चलूँ कि ये हमारी आई साइट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, हार्ट की डिजीज़ और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। हमारी हेल्थ के लिए पीच जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, आप इसका इस्तेमाल दिन में एक मरतबा ज़रूर किया करें। आइए अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज़ के पीच ले लिए हैं जिनको पील करके मैंने स्मॉल पीसेस में कट कर दिए। अब क्वांटिटी के अकॉर्डिंग जो है आप पीच कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, बट अप्रॉक्सीमेटली मैंने जितना पीच लिया उससे 3 to 4 ग्लासेज जो है वो ईज़िली बन जाएंगे। आते हैं अपने नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की तरफ। यहाँ पे मैंने 2 अदद लेमन ले लिए जिनके मैंने बीज निकाल दिए हैं। देन नेक्स्ट मैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू टेस्ट मैं लूँगी ब्लैक सॉल्ट। देन यहाँ पे लिया है नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और इसके बाद हम लेंगे शुगर, ये भी अकॉर्डिंग टू टेस्ट। इसके जूस की आपने बहुत सारी रेसिपीज़ देखी होंगी, बट आपको ये वाली रेसिपी बहुत यूनिक लगेगी बिकॉज़ यहाँ पे मैं अपने ड्रिंक में डाल रही हूँ मरिंडा नहीं है तो आप फेंटा डाल दें। इससे जो आपका ड्रिंक है बहुत ही मज़ेदार और फ्लेवरफुल बनेगा। ब्लेंडर में तमाम इंग्रेडिएंट्स को 1 by 1 ऐड करते चलें। पहले मैंने इसमें डाले हैं कटे हुए पीच, इसके बाद मैं डाल दूँगी नमक हसब ज़रूरत। देन इसके बाद हम ऐड कर देंगे काला नमक, ये भी अकॉर्डिंग टू टेस्ट। अब हम इसमें डालेंगे शुगर। यहाँ पे मैंने शुगर की क्वांटिटी जो है वो कम रखी है बिकॉज एट द एंड हमने इसमें फेंटा डालनी है, तो हम इसकी शुगर की क्वांटिटी इसलिए कम रख रहे हैं कि ताकि आपका जो ड्रिंक है वो ज़्यादा स्वीटनेस आपके ड्रिंक में हो। देन हम इसमें स्क्वीज़ कर देंगे लेमन। डिफरेंट वेज में पीच का जूस अपने घर पे ट्राई किया होगा, बट इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मैंने आपके साथ रेस्टोरेंट स्टाइल की रेसिपी शेयर की है, आई होप सो ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। एट द एंड इसमें पानी डाल देंगे और हम इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर देंगे। यहाँ पे हमारा ड्रिंक हो चुका है रेडी। सर्विंग ग्लास में ऑलरेडी मैंने आइस क्यूब्स डाल दी थी। अब हम ऐट द एंड डाल देंगे फेंटा। फेंटा नहीं है आपके पास तो आप जो है वह मरिंडा ले लें। इन दोनों में से मस्ट है कि आप दोनों में से ही लें। और अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे आप इसमें, ताकि दोनों ड्रिंक जो हैं उनका फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार आ जाए। फाइनली फ्रेंड्स, यहाँ पे ड्रिंक हो चुका है रेडी बहुत ही सिंपल और यूनिक रेसिपी के साथ। अब सो आपको सेम टू सेम इस ड्रिंक का टेस्ट ऐसे कहीं लगेगा जैसे कि आप किसी रेस्टोरेंट या कैफ़े से पीते हैं। आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज का ड्रिंक आपको कैसे का लगा। और एट द एंड मिनी बिनी चस्का को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो को आपको पता चल सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।